और वो भी जितना हम एक एकड़ में अभी खुले में यूरिया दे रहे हैं और इससे अगर उतना देते हैं हम तो गारंटी लेते हैं, अगर आप उतना खाद दे दिए तो पूरा का पूरा फसल अगर ना जल जाए तो बोलिएगा 100% जल जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पे एक एकड़ में एक बोरी मतलब 50 किलो खाद दे रहे हैं, अगर आप 10 किलो दे दिए तो भी 100% आपका फसल पूरा सत्यानाश, खड़ी फसल पूरी जल जाएगी, क्योंकि 100% 99% खाद आपका यूज हो रहा है पूरा प्लॉट में, पूरा पूरा सदी उपयोग में आ रहा है, क्योंकि रूट को ही मिल रहा है। और अपना दूसरा जो पानी है अपना लाइनिंग से कोई क्रॉप है जैसे मान लीजिए पौधे एक लाइन है, एक लाइन है बीच में ड्राई, तो क्या कि पानी खाद वगैरह सब यहाँ पे दे रहे हैं, बीच में हम ना खाद दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर जब नहीं रहेगा खरपतवार कम होगा, एक बार जुताई हो गया बारिश वगैरह हो गया तो मिट्टी कंपैक्ट वगैरह हो जाता है, लेकिन अगर बारिश नहीं गर्मी है तो वहाँ पे खरपतवार होगा लेकिन कम होगा, ये फाइनल है, अगर पानी गया तो होगा खरपतवार होगा ड्रिप इरीगेशन से सॉरी फ्लड इरीगेशन से। तो वही चीज़ है कि ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि जैसे कोई भी पौधा हम लगाते हैं, अगर हम पौधा लगा के फिर ईंट से उसके चारों तरफ दबा दिए तो क्या होगा, मिट्टी कंपैक्ट हो जाएगा, हवा निकल जाएगा उसके अंदर से, क्या उसको जो हम दबाते हैं या फिर पानी ढेर सारा डाल देते हैं तो हवा निकल जाता है और मिट्टी कंपैक्ट हो जाता है। और लेकिन रूट के विकास के लिए क्या चाहिए, भुरभुरापन मिट्टी चाहिए, भुरभुरापन चाहिए। और हम फ्लड इरीगेशन कर देते हैं फिर ईंट से दबा देते हैं तो पूरा का पूरा मिट्टी जो है दब जाता है, तो रूट का विकास नहीं होता, जब जाहिर सी बात है रूट का विकास होगा ही नहीं, तो उसका फाउंडेशन ही कमजोर है तो पत्ते का क्या विकास होगा। और ड्रॉप ड्रॉप करके अगर हम पानी देते हैं तो पूरा भुरभुरापन रहता है, उसको फैलने का चारों तरफ पूरा चांसेस रहता है कि हाँ इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा पूरा अच्छे तरीके से, तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ होगा। अब जैसे मिनी स्प्रिंकलर हम यूज कर रहे हैं, मिनी स्प्रिंकलर लोग बोलते हैं कीड़ा लग गया, अब हम लोग बाइक से अगर 20 किलोमीटर रन करके आते हैं क्या करते हैं, घर पे आते हैं मुँह से साबुन से मुँह धुलते हैं फिर बैठते हैं फ्रेश महसूस हो जाता है। सिम पौधे के लिए वही चीज़ है कि हम मिनी स्प्रिंकलर का सिस्टम चालू कर देते हैं, पत्ते के ऊपर डस्ट वगैरह जमा रहता है तो उसको धुल देता है साफ कर देता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है बढ़ जाती है, तो इसलिए उसके अंदर फिर बारिश में आप देखिए हरा भरा दिखता है, क्यों दिखता है, रीजन यही है। आप गर्मी में अगर आप कृत्रिम बारिश करते हैं आप गर्मी में भी आपका हरा भरा दिखेगा। और दूसरा एक चीज़ है जैसे उसके ऊपर कोई मान लीजिए जीवाणु, जैसे सर बता रहे थे कि कोई जीवाणु गया उसके ऊपर बैठ गया, अंडा दिया बैठ गया है, तो क्या मिनी स्प्रिंकलर चल गया नीचे गिर गया, तो जाहिर सी बात है 100% आपका 90% जो ऊपर से कीड़ा वगैरह अटैक करता है वो चीज़, जैसे गेहूं में आप स्प्रिंकलर चालू कर दिए तो 100% भी आपके धान में रोग नहीं आना, नाश्ता खाया क्योंकि उसके ऊपर जो भी जीवाणु बैठा हो वो साफ कर दिया, धूप मिनी स्प्रिंकलर से भी और कम पानी भी और जैसे जल स्तर जो अपना नीचे जा रहा है। और एक चीज़ हम बिहार में अपने एरिया में एक चीज़ ज़्यादातर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे विभाग यहाँ पे दो चीज़ देती है, एक चीज़ क्या देती है सब्सिडी और दूसरा क्या चीज़ देती है ज्ञान, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी लोग सब्सिडी लेंगे लेकिन ज्ञान नहीं, क्योंकि वो चीज़ ऐसा नहीं कि ज्ञान जैसे हम हैं या फिर सर हैं कोई वैज्ञानिक हैं ऐसा नहीं कि परिपूर्ण हैं, हर नॉलेज से एक सागर है वो एकदम बूढ़े हो जाते हैं तब तक लोग सीखते ही रहते हैं। और जो आदमी बोल दिया कि अरे हम पूरे विश्वविधाता हैं हम सब कुछ जान रहे हैं वो समझ लीजिए कि सबसे मूर्ख आदमी है, क्योंकि आदमी बेड पे है पड़ गया है लास्ट स्टेज पे तब तक ले सीखता है। तो जो वैज्ञानिक रहते हैं किसी वैज्ञानिक रहते हैं उनका एक सब्जेक्ट रहता है उसी पे वो पूरी अपनी लाइफ रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ लेकर ज्ञान लेकर आते हैं वो चीज़। अब जैसे देखते हैं कि सब्सिडी के नाम पे लाइन लग जाता है कोई चीज़, लेकिन क्या है कि हम तो बोलते हैं सब्सिडी के लिए लाइन मत लगाइए, ज्ञान के लिए लाइन लगाइए, ऑटोमेटिक जितना गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं जैसे यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है दूसरे स्टेट में सब्सिडी नहीं मिल रहा लेकिन हमसे ज़्यादा अमीर है, पैसे में भी पैसे में खेती में भी प्रोडक्शन में भी क्वालिटी में प्रोडक्टिविटी में हर चीज़ में गुजरात में महाराष्ट्र में सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं है, माइक्रो इरीगेशन पे ही सब्सिडी 45% और लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। अभी यहाँ पे पीवीसी लेटरल है उसका कीमत जो लेटरल है 12 रुपया कीमत है उसका, तो यहाँ पे लोग किसी घर पे फेंक दिया गया तो उसका कोई यूज नहीं है। यही चीज लेटरल का इमेजिंग पाइप नहीं मिस हो गया वो परख नली टाइप में बोलते हैं सिंचाई नली, हाँ जो सिंचाई की नली होती है 16 mm की वो चीज़ रहता है कि उसका यहाँ पे वैल्यू नहीं रखते, वही चीज़ महाराष्ट्र में 1 मीटर अगर रहेगा तो उसको सुरक्षित लग करके महाराष्ट्र में गुजरात में सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि पर मीटर 12 रुपया यहाँ पे लोग ऐसे फेंक देते हैं कोई यूज ही नहीं, वहाँ पे रात में ट्रैक्टर चोरी नहीं होगा लेकिन आप लेटरल रखे हैं तो चोरी हो जाएगा, क्योंकि उसका लोग मतलब समझ रहे हैं क्या चीज़ होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे हम गुजरात में 4 सालों के लिए हैं 1 करोड़ का कोई किसान उत्तर प्रदेश में बिहार में आलू नहीं बेचा होगा, लेकिन वहाँ किसान एक काफ़ी किसान जो कि सामने टेलीफोन पे उनसे बात करेंगे भी हम हैंड फ्री करेंगे
पूछेंगे कि हाँ सर कितने रुपए का आप आलू बेचे एक करोड़ बताएंगे, और ऐसे नहीं 50 लाख एक करोड़ ऐसे आलू बेचते हैं, और कैसे उनका प्रोडक्शन होता है ड्रिप से, और कैसे उनके पास ज्ञान जैसे पेप्सिको कंपनी है उससे उन कॉन्ट्रैक्ट कर ली, भाई ठीक है हम आपका आलू पैदा करेंगे आप हमसे लीजिए, लेकिन हाँ जैसे पेप्सिको कंपनी है उच्च क्वालिटी का अगर आपको पैदा करना है तो आपको ड्रिप इरीगेशन चाहिए, मिनी स्प्रिंकलर इरीगेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली एक ही बेनिफिट होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है, लेकिन आप लोग का हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपने आप को सर हम प्रक्रिया होता है। अच्छा हाँ, इसका लेने के लिए प्रक्रिया सर ये होता है कि LPC होना चाहिए, किसान रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड, ये तीन चीज़ होना चाहिए। आधार कार्ड गवर्नमेंट को नहीं चाहिए लेकिन हमको चाहिए, इसलिए क्योंकि हम मटेरियल जब भेजते हैं डायरेक्ट कंपनी से किसान की करके भेजते हैं, बीच में डीलर है ये है ये सब नहीं रखते हैं, क्योंकि पहले घोटाला हो जाता था काफ़ी चीज़ का, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ये सिस्टम बेकार है वो होता था, लेकिन हमारा कंपनी जो है डायरेक्ट है मटेरियल भेजती है किसान के घर में, आधार कार्ड हम लोग इसी लिए क्योंकि वहाँ से वे बिल जनरेट करते हैं। तो और एक चीज़ जैसे किसान आप इसको ऑनलाइन आवेदन आप कर दिए पोर्टल पे, तो तीन कंपनी का सिलेक्शन करने के लिए आता है, पहला कंपनी दूसरा कंपनी तीसरा, हम अगर एंटरटेन किए हम आपके संपर्क किए तो ठीक है, हम नहीं किए तो दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा नहीं किया तीसरे के पास चला जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे आएगा इंजीनियर सर्वे करेगा, सर्वे करके एस्टिमेट बनाएगा, एस्टिमेट जो बनाएगा तो 12% जो भी उसके अंदर मटेरियल लगेगा, और गवर्नमेंट एक यूनिट को फाइनल कर दिया, ऐसा नहीं कि अपना एक एकड़ जमीन है उसके अंदर मान लीजिए ऑटोमेशन सिस्टम आप लगा दिए, ऑटोमेशन सिस्टम ऐसा होता है कि कितना खाद देना कितना पानी देना है ऑटोमेटिक मोटर चालू करेगा ऑटोमेटिक दे देगा, उस पर नहीं, अब जैसे मान लीजिए एक एकड़ का यूनिट कॉस्ट फाइनल कर दिया गवर्नमेंट की, भाई 70,000 रुपया इसका यूनिट कॉस्ट आना चाहिए, 70,000 यूनिट कॉस्ट आ गया उसका, उस पर 90% गवर्नमेंट दे देगी, 10% आपको देना और प्लस 12% GST, और वो भी हमको नहीं देना है विभाग को देना, क्योंकि पहले कंपनी हम बाहर को उत्तर प्रदेश गया हमको दे दिए, आप कहाँ ढूंढेंगे हमको नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने किया है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में ही, जैसे अभी एक लिटरेचर है लिटरेचर के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे अकाउंट नंबर की प्रक्रिया है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसी के अंदर डाल के वही स्लिप जो आपके कृषि पदाधिकारी हैं आप उनको दे देंगे, फिर वो हमको दे देंगे, फिर वो चीज़ जब आपके खेत में पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा आप OTP देंगे तब वो पेमेंट हमको मिलेगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगर इस पर कोई मतलब छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है तो बताया जाए हमको। ठीक सर, धन्यवाद।